आपके साथ। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर बुधवार को अपहरण का केस दर्ज हुआ है। शिकायतकर्ता सोहेल राणा सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। अदालत ने हसीना के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दे दी है। बांग्ला अखबार ढाका पोस्ट के मुताबिक इस मामले में पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान, पूर्व कानून मंत्री अनीसुल हक, पूर्व IGP शाहिदुल हक, पूर्व RAB DG बैनजीर अहमद और रैपिड एक्शन बटालियन के 25 अज्ञात सदस्यों को आरोपी बनाया गया है। शिकायतकर्ता राणा ने कहा कि वह 6 जून को 2015 की रात अपने एक दोस्त के साथ घूम रहा था, तभी RAB के कुछ जवानों ने उसका अपहरण कर लिया। उसे पीटा गया और बिजली के झटके दिए गए। उसे पॉलिटिक्स छोड़ने की धमकी भी दी गई। 38 दिन बाद 13 अगस्त को उसे रिहा किया गया। इससे पहले मंगलवार को हसीना पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। हसीना के देश छोड़ने के 8वें दिन मंगलवार को उन पर हत्या का केस दर्ज हुआ। हसीना सरकार में गृहमंत्री रहे। असदुज्जमा खान अवामी लीग के महासचिव ओबेदुल कादर और पूर्व IG अब्दुल्ला अल मामून सहित 2 अन्य को भी आरोपी बनाया गया है। ये मामला मोहम्मदपुर में आरक्षण विरोधी आंदोलन के दौरान 19 जुलाई को पुलिस फायरिंग में एक दुकानदार अबू सैयद की पुलिस फायरिंग से मौत से जुड़ा है। ढाका के चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने हत्या की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। देर रात पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान, उनकी पत्नी और दोनों बेटों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। इसी के साथ बने रहे एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ।